welcome you back once again in study battle so in the previous video we have talked about the types of dams very important types of dams we have talked about especially the gravity dam arc dam okay and the earthen dam and what should be the criteria for the construction of that particular dam and some other important factors okay so the remaining topic the remaining dam side the remaining types of dams that we will talk about in the part two वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ओके सो ऑप्शन जो इसमें आपके दिए हुए हैं

आर्क डैम है वो क्या है सो इट्स डैम विच इज आर्कुएट इन अ सिंगल फर्स्टलीप है वो आर्क की होगी एंड जो सिंगल सिंगल टाइप की होगी एंड द कॉन्वेक्स साइड ऑफ व्हिच फेसेस अपस्ट्रीम डायरेक्शन जो इस डैम का जो साइड होगा वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा

Uh, I have been using this term abutment since you may have, you may or may not have been uh, aware of the arc, uh, the abutment. So, I will tell about it. Okay, so what is an abutment? So, this the sloping sites of a river valley upon which the sides of a dam are keyed, these are known as the abutments. Okay. Okay, so जो आपकी वॉल्स हैं साइड वॉल्स हैं जिसपे आपका जो डैम है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ओके okay? जिस पे आपका डैम का जो वेट है वो डिपेंड करता है सो दैट स्लोपिंग साइड ऑफ रिवर वैली अपॉन विच द साइड्स ऑफ अ डैम जो डैम की साइड्स हैं वो कीड जो, जो डैम की साइड्स को जहां पे स्टेबल किया जाता है तो उसको अबटमेंट कहते हैं ओके okay? So, here the correct option that will be option 2, one type of damp, uh, uh, arc dam that will be constant radius arc and another type of that will be of variable radius dams. Okay. Question number 2 is dealing with the, the type of arc dam in which upstream phase is vertical. Okay, Construct uh, the constant radius arc dams, variable radius arc dams. वर्टिकल आर्क डैम्स और द इनक्लाइंड आर्क डैम्स तो जो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपके कॉन्स्टेंट रेडियस आर्क डैम्स हैं ओके? टाइप्स ऑफ डैम्स, दे आर द टाइप ऑफ आर्क डैम इन विच अपस्ट्रीम फेस इज वर्टिकल सो दीज टाइप्स ऑफ डैम्स आर नोन एज कॉन्स्टेंट रेडियस आर्क डैम एंड यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन द कॉन्स्टेंट रेडियस आर्क डैम इज एन आर्क डैम इन विच द रेडियस ऑफ करवेचर जो करवेचर की रेडियस है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर दैट इज कॉन्स्टेंट एंड अपस्ट्रीम फेस इज वर्टिकल इसली वर्टिकल ओके सो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर थ्री इज डीलिंग विद द एन आर्क डैम हैविंग अ करवेचर बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रेडियस आर्क डैम वेरिएबल रेडियस डैम क्यूपोला और साइपेलो ओके सो जो आपका वर्टिकल कर्वेचर बोथ इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट दैट इज नोन एज क्यूपोला एंड आर्क डैम हैविंग अर्वेचर बोथ इन दॉरिजोटल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट दैट इज ऑफ एन एज क्यूपोला डैम ओके लिए नया टर्म होगा बट दिस क्वेश्चन डैम के बारे में क्वेश्चन नंबर फोर पिक द रोंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्क डैम जो आर्क डैम है उसके बारे में आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई arc dams are heavier compared to other types of dams arc dams they offer many advantages over the other dams arc dams are quite thin walled compared to gravity dams arc dams are lighter in weight compared to the other types of dams so इन आईडियल स्टडी सिचुएशन आर्क डैम ऑफर मेनी एडवांटेजेसाइप्स ऑफ डैम्स एंड आर्क डैम आर क्वाइट थीन वर्ल्ड कंपेयर टू ग्रेविटी डैम्स एंड लाइटर इन वेट ओके सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हुआ अब आप अगर ऑप्शन को देखिए इसमें सो जो ऑप्शन ए है आर्क डैम्स आर हैवियर कंपेयर टू दाइप ऑफ डैम्स सो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है अबाउट द आर्क डैम्स ओके, okay. so, जो करेक्ट ऑप्शन हुआ ये आपका ऑप्शन ए होगा आर्क डैम्स आर बेस्ट सुटेबल फॉर फ्लैट लैंड्स, प्लेटूज नैरो वैलीज और द वेरी वाइड जो नैरो वैलीज हैं नैरो वैलीज में जो आर्क डैम का कंस्ट्रक्शन है वो सुटेबल रहता है बेस्ट सुटेबल फॉर द नेरोज आर्क डैम्स आर बेटर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्मली स्लोपिंग में भी बात करी थी जो आर्क डैम के लिए अबटमेंट्स हैं वो आपके क्वाइट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए साउंड अबर्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओके एंड जो वैली है आपकी दैट शुड बी थीन एंड वेरी स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्मली स्लोपिंग वॉल्स और दबटमेंट्स आर रिक्वायर्ड ओके So, जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पे आपका ऑप्शन सी नायरो वैली होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स आर्क डैम इन इंडिया इज सिचुएटेड इन हिच स्टेट कर्नाटका गुजरात केरला एंड महाराष्ट्र बेस्ट एग्जाम्पल है आर्क डैम का अगर हम इंडिया की बात करें सो दैट इज इडुकी डैम ओके केरला स्टेट में जो इडुकी डैम है इंपॉर्टेंट आर्क डैम ऑफ अवर कंट्री सो इसके बारे में अगर आप हम डायग्राम आपको दिखाऊं सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ इडुकी डैम ओके आर्क ओके दैट इज इट्स वन ऑफ द मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर्स फ्रॉम विच यू कैन आइडेंटिफाई अगर आप स्टूडियोस्कोप में भी स्टूडियोस्कोप के उससे देखोगे तो भी आपको आर्क डैम बिल्कुल uh, बिल्कुल सही दिखेगा जस्ट लाइक एन आइडियल आर्क ओके इडुकी डैम इज एन डबल कर्वेचर आर्क डैम विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन अ नैरो गॉर्ज बिटवीन द टू ग्रेनाइट हिल्स लोकली नोन एज कुरान एंड कुराथी इन केरला ओके, okay? so, आपका जो रिवर्स का नाम है रिवर पर्टिकुलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो पेरियार रिवर है रिवर का नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेरियार रिवर एंड जो उसके ग्रेनाइट हिल्स हैं, ओके okay? दो ग्रेनाइट हिल्स के बीच में स्ट्रक्चर, जो इडुक्की डैम है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है, so, जो जो हिल्स है ग्रेनाइट हिल्स हैं उसमें जो कुरवान है एंड कुराथी uh, ओके okay? ये दो हिल्स हैं इन केरला ओके सो हिल्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप केरला का कोई जो स्टेट का केरला स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो तो so वहां के लिए इट कैन बी हेल्पफुल बट फॉर द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए रिवर इंपॉर्टेंट है रिवर एंड रिजर्वायर दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है सो so, पेरियार रिवर पे बना हुआ है ओके okay? एंड जो ये इसकी अगर हम हाइट की बात करें ओके वन ऑफ द हाइएस्ट आर्क डैम इन एशिया इंडिया में नहीं ये एशिया का सबसे हाइएस्ट आर्क डैम है 168 और अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 169 मीटर्स इन इट्स हाइट ओके सो दैट्स वन ऑफ द हाइएस्ट आर्क डैम्स इन एशिया एंड द डैम टाइप इज कंक्रीट जो डैम का टाइप है वो कंक्रीट है डबल कर्वेचर है पैराबोलिक थीन आर्क डैम ओके okay? सो so ये इसकी कुछ जो डायग्नोस्टिक फीचर्स है उसके बारे में है कि कंक्रीट टाइप है डबल कर्वेचर है पैराबोलिक इन स्ट्रक्चर है एंड थीन आर्क डैम है ओके okay? सो so ये इडुक्की डैम के बारे में कुछ टॉपिक पॉइंट्स हुए दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू ओके okay? अगर आप केरला स्टेट का कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड जियोलॉजी एंड जियोग्राफी जियोग्राफी के भी इम्पोर्टेंट है ओके okay? जो डैम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो चाहे पहला पार्ट हो या सेकेंड पार्ट हो वो जियोग्राफी एंड जियोलॉजी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेवन द डैम हुई जनरली इज ऑफ इज ट्रेपेजॉइडल से ग्रेविटी आर्क डैम क्यूपोला डैम और द इम्बैकमेंट डैम ओके सो जो इम्बैकमेंट डैम है इम्बैकमेंट डैम्स इंक्लूड अ वाइटी ऑफ नॉन रिजिड स्ट्रक्चर विच आर बिल्ट ओवर वाइड वैली विद वेरिंग फाउंडेशन ओके कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इज़ली अवेलेबल मटीरियल सच एज अर्थ एंड रॉक फ्रेगमेंट

ओके okay? अब वो कोई अर्थन मटेरियल हो सकता है कोई रॉक uh, का फ्रेगमेंट हो सकते हैं उसके बेसिस पे हम जो जो भी मटेरियल लोकली अवेलेबल होगा उसके बेस पे हम इम्बैमेंट डैम को कंस्ट्रक्ट करेंगे ओके क्वेश्चन नंबर एट द डैम व्हिच कैन बी कंस्ट्रक्टेड इवन ऑन द ग्लेशियल डिपॉजिट इज नोन एज व्हिच टाइप ऑफ डैम कैन बी कॉन्स्ट्रक्टेड इवन ऑफ ऑन द ग्लेशियल डिपॉजिट्स ग्रेविटी डैम आर्क डैम इम्बैकमेंट डैम और क्यूपोला डैम ओके जो डैम्स हैं, वो मेन एडवांटेजेस ऑफ द इम्बैकमेंट डैम्स इज दैट दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द वीक फाउंडेशन रॉक्स सच एज अनकंसोलीटेड वीक रिवर और ग्लेसियल डिपॉजिट्स ओके डैम के बारे में जो सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो ये है कि आपको उसके लिए कोई कोई साउंड फाउंडेशन रॉक रॉक या ऐसे उस तरह की की जरूरत नहीं है जिसको आपको कहीं से ट्रांसपोर्ट करना पड़े आपको लोकली जिस जगह पे इम्बैगमेंट डैम क्रिएट करना है कॉन्स्ट्रक्ट करना है तो वहां पर जो भी लोकल मेटीरियल होगा उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम ओके

डैम इन ओडिशा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्बैंकमेंट डैम ऑफ अवर कंट्रीम का एग्जाम्पल कॉम्पैक्टेड कोर है डैम में दैट इज मेडअप ऑफ स्पेशली इन द इमेंट डैम सेल क्ले लाइमस्टोन और द कोल सो एंड इम्बैकमेंट डैम इज वन इज कॉन्स्ट्रक्टेड एज अमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्शन बट वेरी कॉमनली विदरली कॉम्पैक्टेड कोर ऑफ इंपरवियस मटीरियल ओके जो मटीरियल है वो आपका इम्परवियस मटीरियल होना चाहिए इंपरवियस मटीरियल फॉर एग्जाम्पल क्ले ओके सो ऑप्शन जो यहां पर बी होगा दैट विल बी ऑप्शन ऑप्शन बी क्ले विल बी द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 एन आर्क डैम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एट ऑल व्हेन द वैली इज वेरी वाइड सो ये स्टेटमेंट यहां पे दिया हुआ है एन आर्क डैम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एट ऑल व्हेन द वैली इज वेरी वाइड सो यू हैव टू टेल वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स वैली इज टू वाइड ओके फॉर सिंगल आर्क और द ग्रेविटी डैम जब हमने बात करी थी भी पिछले वीडियो में या इसी वीडियो में हमने बात करी जो ग्रेविटी जो आर्क डैम है आर्क डैम के लिए जो जो वॉल है शुड बी वॉल वॉल जो है है उसकी वो लिटिल बिट वॉल्स होती ओके सो okay? so अगर वहां पे कुछ मल्टीपल आर्क डैम बनाना है या अगर वहां की जो वैली है वो वाइडन वैली है सो so उसको हम दो आर्क डैम मल्टीपल आर्क डैम क्रिएट करते कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिकल मल्टीपल आर्क डैम दैट टेक्स प्लेस ओके वही so, लिखा हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज ऑफ एन आर्क डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन वेरी वाइड वैली टू ओके वाइड वैली में भी बनाया जा सकते हैं बट मल्टीपल होंगे वो ओके okay? सो so, ये कुछ क्वेश्चन हुए और जो टाइप्स ऑफ डैम्स हैं तो so, इसके बारे में हमने जो दो वीडियोस को डिस्कस किया ओके एंड में जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कुछ शॉर्ट डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू